दोस्तों जय जोहार। आज हम मेहमान आए हैं और ये तालाब पे मछलियाँ पकड़ने आए हैं। तो आप देख सकते हो कच्चा कच्चा तालाब भरा हुआ है, इसमें पानी भी है और ये भाई साहब भी हमारे साथ में हैं और कैमरामैन राहुल जी हैं। तो जिसको भी इंजॉय लेना है वो रास्ता पाल में गड़ा गोकल में आके इस तालाब के पास में आके इंजॉय कर सकता है। धन्यवाद जोहार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आज इतनी गर्मी का टाइम है, तालाब एक तरफ जहाँ सूख चुके हैं और आप जहाँ पे हम मेहमान आए देख सकते हो आप, खचाखच पानी से भरा हुआ तालाब है। आप मैं आपको ये व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप रास्ता पाल में गड़ा गोकल में जहाँ पानी की अभी किल्लत है, फिर भी यहाँ पहाड़ों के बीच में पूरा जंगल मतलब या पहाड़ों के बीच में ये तालाब भरा हुआ है। थोड़े बहुत जंगल का भी एरिया है लेकिन आप देख सकते हो पूरा, मैं कैमरा धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है वहाँ तक बिल्कुल पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ के जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको पानी की वास्तविक व्यवस्था बिल्कुल ठीक, पानी भी मिल रहा है। बाकी आजकल गांवों में क्या है, पानी बिल्कुल पानी की समस्या हो गई है। तो देखो अभी भी यहाँ पे वो मशीन चल रहे हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, लोग खेती भी कर रहे हैं, कोई मूंग कमा रहा है, देखो आप देख सकते हो। और ये हमारे साथ में पूरे मेहमान हमारे फैमिली ब्रदर है, उनके आज कोई वो लगन दौरा वाला कार्यक्रम है तो वहाँ पे हम मेहमान आए हैं और सब लोग साथ में ही मौजूद हैं। तो आप देख सकते हो ये तालाब का नज़ारा, हम वहाँ मेहमान आए थे, उस घर पे रुके थे, जहाँ से हमने देखा कि तालाब देखा तो हम 1 किलोमीटर चल के उस तालाब को देखने गए और तालाब पूरा पूरा भरा हुआ, एक नंबर, मतलब बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है इसमें। हालाँकि हम खाते नहीं हैं, मारने नहीं आए हैं, सिर्फ एंजॉय लेने आए हैं, एक एंजॉय व्लॉगिंग कर दिया है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो हमारा बड़ा भाई राम भाई, अच्छा बड़े भाई बिल्कुल, रामलाल जी भी हैं आज साथ में हमारे।